ओके योर लाइफ योर लाइफ So what are these steps? Why are they like lit up like? So I'll tell you all about this. Yeah, okay. Again, my name is Aparajita. Yeah. I work here at the Partnerplex a lot. I present to our executives, at the CEOs and CMOs that come in. And this space is reserved just for our executive guests. So I'm very glad that we are hosting you here. Thank you so much for coming. Aparajita. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसको हम stairs of consciousness कहते हैं और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं ये लाइव सर्चेज हैं जो अभी लोग गूगल पे कर रहे हैं और ये फिल्टर्ड हैं फॉर गुड वर्ड्स लाइक ऑल द बैड वर्ड्स आर फिल्टर्ड आउट ऑफ हियर और ये यूएस सर्चेज हैं ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दीज आर इंटरनेशनल सर्चेज तो ग्लोबली जो भी लोग अभी उनके कॉन्शियसनेस में चल रहा है जो वो सर्च कर रहे हैं वो लाइव आपको स्क्रीन पे दिखता रहता है और ये हम काफ़ी इस डेटा को यूज़ करते हैं क्योंकि इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एनोनिमस हमें पता नहीं कौन ये टाइप कर रहा है लेकिन जब हमारे पास बिलियंस ऑफ पीपल की ये डेटा इकट्ठी हो जाती है तो हम इसको इतने अच्छे से यूज़ कर पाते हैं हम कस्टमाइज कर सकते हैं रिजल्ट्स हमें पता रहता है कि ट्रेंड्स में क्या चल रहा है लोग किस बारे में सर्च कर रहे हैं तो हम उस एरिया को और रिसर्च करके उसके बारे में रिजल्ट्स दिखा सकते हैं तो इसको हम रियल टाइम काफ़ी यूज़ करते हैं इस डेटा को और फिर हमारे एडवर्टाइजिंग में भी काम आता है क्योंकि एज यू नो गूगल के और कोई रेवेन्यू स्ट्रीम्स है नहीं खास 95% ऑफ आर रेवेन्यू कम्स टू एडवर्टाइजिंग बाकी की 5% अब हम हार्डवेयर रिलीज कर रहे हैं वी हैव सम फोन्स वी हैव सम लैपटॉप्स बट द कोर इज स्टिल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू सो दिस इज ऑल डेटा दैट इज यूज्ड इनटू मेकिंग दैट मोर रेलेवेंट गुड इंटरेस्टिंग चंद्रा लेवी संजय घोष चंद्रा लेवी या दीज आर लाइव सर्चेस हैपनिंग इन द यूएस राइट नाउ एंड ऑफ द वर्ल्ड चलिए आप ऊपर आए फिर मैं आपको एक डॉक्टर वो मीट यू विल टेक अ लूप एंड कम मेल्स आप अपने काम में हाँ कुछ ना कुछ जो चीज़ें सुननी होती हैं तो फिर ढूंढते हम फिर पता लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी बहुत पुरानी गाई हुई है तो फिर तो गूगल ही सर्च करके देखते हैं फेवरेट ब्रांड कौन सी है ग्लोबली कोई सी भी ब्रांड समवट वेल नोन Sporting goods, food, beverage, retail. You can say it too. Sports, Nike. Nike? Okay, let's see. तो ये हमारा 360 डिग्री डिजिटल फुटप्रिंट है अब मान लीजिए आप नाइकी के सीईओ है या सीएमओ है हमसे मिलने आए राइट तो हम आपको एक इमेज दिखाना चाहते हैं कि नाइकी कंज्यूमर को कैसा दिखता है अच्छा तो जब मैं नाइकी टाइप इन करूंगी आपको 360 डिग्री व्यू दिखेगा कि नाइकी की वेबसाइट कैसी दिखती है डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे सेल फोन पे उनका यूट्यूब प्रेजेंस क्या है फेसबुक प्रेजेंस क्या है कहाँ पे से लोग सर्च कर रहे हैं इट्स अ वेरी नाइस ओवरव्यू फॉर समबडी जो सब चीज़ें एक साथ नहीं देखते हैं तो मान लीजिए आप नाइकी के सीईओ राइट एंड आपने आपकी डेस्कटॉप पे साइट देखी हुई है मोबाइल पे देखी होगी बट एक जगह आपने कभी नहीं देखी और आपको दिखाना चाहते हैं कि आपकी इमेज कितनी कंसिस्टेंट है राइट कई बार ये साइट कोई और डेवलप कर रहा होता है ये कोई और डेवलप करता है तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है बट बीइंग एबल टू सी इट ऑल इन वन प्लेस हेल्प्स अस हेल्प यू कि आप अपनी साइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो यू सी द थ्री इमेजेस हियर फिर आप यहाँ पर जाएंगे तो दिस इज आवर नॉलेज पैनल जब आप google.com पे साइट पर जाकर नाइकी टाइप करेंगे तो राइट हैंड साइड में एक नॉलेज पैनल आता है ये उसकी इमेज है कि Is this really the information you want to show about your brand or do you want to show something else? These are the top searches for Nike on google.com right now, live. Again, something to think about for you as a CEO, okay, is this what you want to show or is there something else you would like people to know about your brand? ये आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है एंड अगेन ये खाली Nike के लिए नहीं दिस इज फॉर एनी ब्रांड दैट हैज एनी सॉर्ट ऑफ ग्लोबल प्रेजेंस क्योंकि YouTube पे प्रेजेंस है इनकी YouTube मोबाइल then social media, Google News, Twitter, Google Plus, Facebook. और कई बार ऐसा होता है हम यहाँ खड़े होते हैं CEOs के साथ और उनको लगता है कि मुझे मेरी ब्रांड मुझे ये नहीं पता कि ये टॉप सर्चेज है रिलेटेड टू नाइकी
एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि कई बार होता है कि कुछ एक ब्रांड्स होती है जिनका मीनिंग इतना क्लियर नहीं है. नाइकी इज ओनली नाइकी बट देयर मे बी अ ब्रांड कॉल्ड आई डोंट नो देयर इज डबल मीनिंग्स टू वर्ड्स राइट. जैसे ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ ब्रांड जैगुआर राइट. इट्स एन एनिमल एंड इट्स अ ब्रांड. अगर किसी कंज्यूमर ने जैगुआर टाइप करा तो और कौन सी रिलेटेड सर्चेस आती हैं सो दैट यू कैन यूज दैट इन योर मार्केटिंग टू मेक श्योर कि जब कोई जैगुआर टाइप करे तो खाली ब्रांड आए एनिमल नहीं आए. तो दिस हेल्प्स यू डिटरमिन दैट. दिस इज अ ग्लोबल हीट मैप विच मीन्स कि जितना डार्क दिख रहा है आपको कंट्री में कलर उतने ज़्यादा लोग उस कंट्री में नाइकी की सर्चेस करते हैं. तो यू कैन सी यू एस इज प्रीटी पॉपुलर बट इन यूरोप यू विल सी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आर सर्चिंग फॉर नाइकी अलॉट. India is actually pretty high up despite and it's probably because of Deepika Padukone ka Nike ka daring video hai, so you'll see a lot of searches from India. But this for every brand this gives you a global heat map ki where is your brand that popular and isko waise use karte hai ki for example abhi if Nike was here we would tell them Europe mein there's pockets where people don't really search for you but there's large parts of Asia where people are not searching for you, why not? ऑस्ट्रेलिया में लोग नाइकी के लिए इतना ज़्यादा नहीं सर्च कर रहे जितना हमने सोचा था यूएस जितना होना चाहिए था. तो वी कैन टाइप इन एडिडास एंड सी कि लोग एडिडास को प्रेफर करते हैं क्या उस कंट्री में. I'll show you something much more fun with Gurdas Mahal over there. In the next display, let's go over there. YouTube टेबल है सो इट्स लाइक एयर हॉकी टेबल. अभी मैं यहाँ पे आपका नाम टाइप करूँगी और फिर आपके जो भी YouTube पे वीडियोस हैं उसकी एक सिलेक्शन आ जाएगी यहाँ पे एंड देन यू कैन पिक अ वीडियो पुट इट इन द प्लेयर और आपकी वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले होगी. ओके डबल तो आप इधर आके देखिए ये सारी आपकी वीडियोस हैं जो YouTube पे अवेलेबल है. शुरू जब होंगे जब अपन इसको प्लेयर में डालेंगे सो लेट्स डू दैट. ग्रेट कौन सी वाली यूज करें. दिस लुक्स लाइक दिस इज योर्स.